स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग अपडेट यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग के लिए, क्योंकि हम इमेजेस यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने वेबसाइट पे हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करें। पर क्या होता है, उससे हमारी साइज़ बढ़ जाती है इमेजेस की और हमारे वेबसाइट का लोड स्पीड भी कम हो जाता है। तो जो भी आपकी इमेज की साइज़ है, आप उसे 80% तक कम कर सकते हो। और हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी आपका इमेज फॉर्मेट होगा, भले वो JPG हो या PNG हो या फिर GIF हो, उसको हम कंप्रेस करके मतलब उसको हम कन्वर्ट कर देंगे WebP में। तो कैसे करना है पूरे इस वीडियो में वही बात करेंगे। खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, ये मेरा थंबनेल है ब्लॉग पे, मैंने मतलब हमारे चैनल पे मैंने डाला था। इसकी आप साइज़ देख सकते हो, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में कि करीब इसकी साइज़ है 1.8, मतलब करीब 1.8 MB की इसकी साइज़। अब ये इस इमेज को अगर मैं अपने ब्लॉग में यूज़ करता हूँ तो सीधे आप समझ सकते हो 1.8 MB की ये इमेज है और कितना ये मेरी वेबसाइट का लोड स्पीड बढ़ा सकती है। तो इसको मैं क्या करूँगा, WebP में कन्वर्ट करने का। और गूगल भी कहता है कि आप अपने वेबसाइट में नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट वाले इमेजेस यूज़ करो, जो WebP होता है, तो उसी में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो आप अपने गूगल में आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे RaptorKit इमेज कन्वर्टर, आपको टॉप पे वेबसाइट मिल जाएगी ये इमेज कन्वर्टर RaptorKit वाली। सिंपली आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पर ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज़ एन इमेज। तो जो भी आपका इमेज है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, आप सीधा यहाँ पे करोगे चूज़ एन इमेज और आपका जो भी इमेज है, जैसे हमारा ये वाला इमेज है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से करूँगा ओपन और यहाँ पे वो लोड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अभी बटन क्लिकेबल नहीं दिखेगा क्योंकि अभी इसमें लोड हो रहा है। जैसे लोड हो जाएगा तो ये क्लिकेबल दिखेगा आपको। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना, तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे। अब PNG JPG से PNG या फिर PNG से JPG में GIF WebP BMP इन सबको एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हो। सो जैसे हम इसे WebP में करेंगे तो WebP सेलेक्ट करके ये फिर से लोड होगा। ओके, सो WebP सेलेक्ट किया और यहाँ पे कन्वर्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप इस पर करोगे कन्वर्ट इमेज और ये हमारा WebP में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ सेकेंड्स में। तो आपकी नेट स्पीड और फाइल साइज़ के हिसाब से टाइम लेगा थोड़ा कंप्रेस होने में। सो अब इसको हम कन्वर्ट होने देंगे। सो ये कन्वर्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर में डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, डाउनलोड इमेज। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपकी फाइल ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड्स में, और जैसे हमारा ये इमेज था, इसकी आप साइज़ देख सकते हो, यहाँ पर करीब 1.8 MB थी, वो सीधा रिड्यूस होकर जो हमारी साइज़ है ये हो गई है करीब 251 KB। सो ये WebP फॉर्मेट है और मैं दोनों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि दोनों की क्वालिटी कैसी है। तो अभी आप देख सकते हो इस वाली इमेज की क्वालिटी आप देख सकते हो आपके सामने ही है किस तरीके से ये दिख रही है ये इमेज। और जो दूसरा हमारा ये वाला इमेज है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ और ये WebP फॉर्मेट है तो सिंपल से बात है ये ब्राउज़र में ओपन होगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है हमारी इमेज की क्वालिटी में, यहाँ पर भी और इस वाले में भी पूरा सेम है, कोई चेंजेस नहीं होगा आपकी फाइल, आपके इमेज साइज़ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सेम वैसा रहेगा। बस जो होता है ये WebP फॉर्मेट में हो गया और कोई भी इसे ओपन करेगा तो ब्राउज़र में ओपन होगा। और इन इमेजेस को आप अपने वेबसाइट में यूज़ करो, अपने ब्लॉग के हर जगह यूज़ करो ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी कम हो। और कई बार आप स्पीड चेक करते हो तो उसमें आपको बताता भी होगा कि नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट यूज़ करो, तो वही ये WebP फॉर्मेट है। तो आप अपने ब्लॉग में इस तरीके से कोई भी फॉर्मेट के इमेज को WebP में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो और उसकी साइज़ कम कर सकते हो बिना किसी क्वालिटी लूज़ किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ। और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।